बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके सारा डिटेल में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का डिफरेंट मास हम कैलकुलेट करते हैं, पूरी एक टेक्निक थी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारा रहता है रिलेटेड टू आइसोटोप्स, वो है जी एवरेज एटॉमिक मासेस। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ही क्यूब है, इसके अंदर कोई भी गैस है, सपोज हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के इसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, एटम गैस हाइड्रोजन गैस के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगे। अबंडेंस जो है हम उसकी वो पढ़ के आए हुए हैं कि वो कितने अबंडेंट जो है वो गैस, कौन सा आइसोटोप कितने अबंडेंट इसके अंदर मौजूद है। अब हमने एवरेज एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोप्स का कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम अभी देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसको क्यों समझे कि आपके पास सपोज तीन आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप नंबर वन, आइसोटोप नंबर टू और आइसोटोप नंबर थ्री। मैं कहता हूं कि इस ये जो नंबर वन आइसोटोप है ये सपोज 70% होता है मौजूद मेरे पास मेरे सैंपल में। आइसोटोप टू जो है ये 25% है और आइसोटोप नंबर थ्री इज 5%। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये एक नंबर वन हाइड्रोजन था, सपोज कर लेते हैं हम इनके मैसेज भी सपोज कर लेते हैं। इसका मैस मैं कहता हूँ 10 है, इसका मैस 11 है और इसका मैस 12 है। वे आर सपोजिंग कि ये इनके मैसेज हैं आइसोटोप नंबर 1, 2 और 3 के और ये इनकी परसेंटेज मौजूद हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर वन की जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से। ये सारा नंबर वन का है, इसको फिर हम प्लस करेंगे उसी तरह नंबर टू के, नंबर टू की परसेंटेज 25% है, मल्टीप्लाई होगा ये उसके मास से जो कि 11% है, प्लस 5% में वो मौजूद है और मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि उसका मास है। ये सारी चीजें को जमा मल्टीप्लाई करके प्लस करके हम इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, इसको मैं दोबारा से बता दूं एक दफा, परसेंटेज को उस एलिमेंट उस आइसोटोप के मास से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और फिर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। हमारी बुक पेज नंबर 8 पे एग्जांपल 1 है चैप्टर 1 की, उसको हम समझ लेते हैं। उसके अंदर उसने नियॉन के तीन आइसोटोप दिए हैं, नियॉन 10, 20, नियॉन 10, 21 और नियॉन 10, 22। ये सारी ये तीन आइसोटोप हमें गिवन है और इन सब की रिलेटिव परसेंटेज भी हमें गिवन है। इसकी 90.92% गिवन है, इसकी 0.26% है और इसकी 8.82% है। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एवरेज एटॉमिक मास का उसी तरह वही फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम 90.92 को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मास इस वाले आइसोटोप का 20 है, इसको हमने प्लस कर दिया, नेक्स्ट के 0.26 उसकी परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय 21 उसका मास है और फिर हम इसको ऐड करेंगे लास्ट वाले में 8.82 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है नियॉन का, दैट कम्स इक्वल टू 20.18।
EMU इसका यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट रखनी है कि अगर मेरे पास ये एक सैंपल के अंदर नॉन गैस मौजूद है तो लाजमी नहीं कि किसी एटम का या मॉलिक्यूल का ये एटॉमिक मास एग्जैक्टली 20.18 हो, ये नहीं होगा। लेकिन ऑन द एवरेज, हमें बेसिकली एवरेज की बात करें, ऑन एवरेज जो है 20.18 इस पूरे नियम गैस के सैंपल का मास है। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। जब भी हमारे पास आइसोटोप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम ये टर्म भी यूज करते हैं, और ये इसका तरीका था कैलकुलेट करने का। ये रिलेटेड था हमारे पिछले टॉपिक से, स्पेक्ट्रोमेट्री और आइसोटोप्स। यहाँ पे हमारे मेनली आइसोटोप्स का जो सारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक और नया बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है जी कंपाउंड का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। अब सपोज करें कोई भी चीज हमें दी जाती है और हमने लिखा जाता है कि इसका आप एनालिसिस करें। तो एनालिसिस का मतलब उर्दू में इसको कहते हैं तजिया करना, तजिया। ठीक है, सपोज कि मैं आपको एक चेयर देता हूं, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ वन, ये चेयर है, मैं आपको कहता हूँ कि आप इसका एनालिसिस करें, आप मुझे बताएं कि आप इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मुझे दें। तो आप इसके बारे में मेनली दो तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टू टाइप्स। नंबर वन, कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, व्हाट मतलब व्हाट पार्ट आप इसका कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या है। मैं कहूंगा कि इसके अंदर लकड़ी मौजूद है, इसके अंदर कील लगे हुए हैं, ठीक है, और अगर इसके ऊपर कोई प्लास्टिक का मटेरियल है तो वो भी इसके व्हाट पार्ट में आ जाएगा, ये किस किस से मिलकर बनी है। और दूसरा क्या होता है कि हाउ मैनी या हाउ मच, कि वो चीज कितनी क्वान्टिटी में मौजूद है उसके अंदर। सही है, तो किसी भी चीज का जब आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस दो तरह का होता है, एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज क्वालिटेटिव एंड नंबर टू इज क्वांटिटेटिव। सही है, क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या मौजूद है, व्हाट। इसके अंदर मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक सैंपल है, कोई भी शख्स आपके पास आए, आपको एक पेपर के ऊपर एक पाउडर सा रख के दे दे और इसको कहिए इसका एनालिसिस करके बताओ, तो आप दो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि ये कंपाउंड है कौन सा, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये चीज किसने आ गई, क्वालिटेटिव की क्वालिटी आपने चेक करनी है, इसके अंदर मौजूद क्या क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बना है। क्वांटिटी की जब बात आएगी तो जब आप पता लगा लेंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड आपको दिया उसके अंदर दो चीजें मौजूद थी ए और बी, सपोज करें ए और बी दो एलिमेंट्स थे, ये आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस के रिजल्ट में ये दो चीजें निकाल ली, आपको पता चला इसके अंदर ए और बी मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप ये बताएंगे कि ए और बी आया के इक्वल है, या ए जो है वो 10% है, बी 90% है, या ए 50 है तो ये भी 50 है, या ये 90 है और ये 10 है। तो ये परसेंटेज जो आप फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज का मतलब है कि आप बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी में ये चीज मौजूद है, ए और बी उसके हिस्से हैं, सही, ए कितना है और बी कितना है। हम चेयर की एग्जांपल लेते हैं, चेयर में हमने बात की, सबसे पहली चीज होती है लकड़ी, फिर आ जाते हैं आपके कील वगैरह, राइट, और इसके अंदर क्या हो सकता है, प्लास्टिक के कुछ मटेरियल हो सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि ओवरऑल इसके अंदर कौन सी चीज कितनी तादाद में मौजूद है, तो कील की क्वांटिटी बहुत कम होगी, लकड़ी ज्यादा होगी। तो ये जब क्वांटिटी आप डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर ये चीज इतनी मौजूद है और ये चीज इतनी मौजूद है, तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड के नतीजे में हमें पता लगता है, अब ये जो हमें पता लगा हुआ है या सबको हमें मालूम है कि H2O जो है वाटर का फॉर्मूला होता है, तो ये कैसे पता लगा, ये इसी एनालिसिस के ही रिजल्ट है ये, कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने एनालिसिस किया तो क्वालिटी देखी उनकी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उन्होंने बताया जी कि वाटर के अंदर
ये आपका वाटर है, उन्होंने कहा कि वाटर के अंदर दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो पता लग गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। फिर जब उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, उसकी क्वांटिटी उन्होंने फाइंड की, तो उसमें पता चला कि हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और ऑक्सीजन के वन एटम होता है। हाइड्रोजन जितनी है ऑक्सीजन उसकी आधी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो से हैं, इनकी रेशियो 2:1 है। हाइड्रोजन डबल होती है और ऑक्सीजन आधी होती है। तो ये डिफरेंट चीजें में पता चला इस एनालिसिस के नतीजे में पता चला, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कभी भी आप किसी भी कंपाउंड का एनालाइज करें तो दो एनालिसिस होते हैं, क्वालिटी वाइज क्वालिटेटिव और क्वांटिटी वाइज, जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो अभी जो हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उसकी तरफ जाने से पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज है इसमें वो है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में परसेंटेज कितनी है। मैं कहता हूं कि ए बी एक कंपाउंड है, इसके अंदर ए की परसेंटेज कितनी है और बी की परसेंटेज कितनी है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल परसेंटेज आपको निकालनी आती है। हम कहते हैं कि आम जुबान में पास या फेल होने का क्राइटेरिया क्या होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जितने नंबर उसमें आए होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्टेंड, नंबर ऑब्टेंड जितने नंबर आपने लिए होते हैं, उसको अगर हम टोटल नंबर से, टोटल मार्क्स या नंबर से हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके एग्जाम की परसेंटेज आ जाती है। सही। अगर कोई बंदा 40% नंबर लेता है टोटल नंबर 100 में से, तो इसके नंबर कितने बन जाते हैं, हम कहते हैं 40% मार्क्स आ गए। तो इसी सेम इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज मैथ फाइंड आउट करते हैं कि वो एलिमेंट कितना ज्यादा मौजूद है। सिमिलरली ये क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा, मैथ ऑफ द कंपाउंड जो कि टोटल नंबर के मुताबिक है, मतलब वो नीचे आ जाएगा, और मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो मास है, मतलब 100 में से उस एलिमेंट का पार्ट कितना है, कंपाउंड का जितना मास है उसमें से उस एलिमेंट का पार्ट कितना है वो ऊपर, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट आ जाएगी, उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी इस फॉर्मूले की मदद से। सिमिलरली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम जिस तरह आम जुबान में परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। हमारे बुक में ही एग्जांपल नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें कुछ डाटा दिया हुआ है और हमें मैथ फाइंड परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कहा है। वो कहता है जी कि मैथ ऑफ द कंपाउंड कितना है, मैथ ऑफ कंपाउंड इज 8.657 ग्राम्स। इसका हमने एनालिसिस किया, इसको जब डिकम्पोज किया तो हमें क्या पता चला कि इसके अंदर कार्बन कितनी है, कार्बन 5.217, हाइड्रोजन इसके अंदर है जी 0.962 और ऑक्सीजन इसके अंदर है 2.478 ग्राम। ये डाटा सारा आपकी बुक में लिया हुआ। फिर अब आपने क्या करना है, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑक्सीजन, तो ये कितनी परसेंटेज में इसके अंदर मौजूद है। उसी तरह होगा ये सिंपल की परसेंटेज कार्बन, कार्बन कितनी क्वांटिटी में मौजूद है 5.217 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड टोटल मास हमें दिया हुआ 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 60.26%। ये इसका क्या है, आंसर है। इसी तरह आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 0.962 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, वो 8.657 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर भी आपके पास 11.11% में आ जाएगा। इसी तरह आप ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड फाइंड करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट का जिसकी परसेंटेज लेनी है उसका मास और उसको डिवाइड करते हैं मास ऑफ कंपाउंड से, जो कि टोटल मास होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर हमारे पास
आ जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, असल ये सारी चीजें हम इस वजह से स्टडी कर रहे हैं ताकि अब जब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं तो ये चीजें बार बार इस्तेमाल होंगी, तो हमें पता होगी इसका फॉर्मूला कैसे है और ये परसेंटेजेस हमने कैसे निकालने। आगे जो आज का बेसिक और मेन टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये होता क्या है, किसी भी कंपाउंड का ये वो फॉर्मूला है जो कि सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स शो करता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स, ये होता है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक तस्वीर की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तस्वीर है, इसको आप समझे। व्हाट इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, सपोज करेंगे ये दो हाथ आपके सामने बने हुए, सही है। इनका फॉर्मूला क्या होगा, ओवरऑल अगर मैं दोनों हाथों की बात करूं तो H2 टू हाथ कितने, हैंड्स कितने हैं 2, एंड F आर 10, F कितने हैं फिंगर आर 10, दो हाथ और 10 उंगलियां, H2F10 आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला बन रहा है किसका, दोनों हाथों का। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, बेसिक चीज बता रहा है, अगर मैं इस दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये H1 आ जाएगा और F5। ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है कि एक हैंड के अंदर कितनी उंगलियां होंगी, 5 उंगलियां होंगी। ये बेसिक तरीन जो है वो हमें बता रहा है रेशियो किसी भी कंपाउंड। इसी तरह हम कंपाउंड्स को जब स्टडी करते हैं तो हम उसको इसी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में जब शो करेंगे तो वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे कि ये हाथों की एग्जांपल से आपने देखा कि H2F10 दो हाथ और 10 उंगलियां हैं, 2 हैंड्स एंड 10 फिंगर्स। तो ये HF5 जो है ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये शो कर रहा है कि एक हाथ के अंदर उंगलियों की तादाद कितनी है, हाथ और उंगलियों की रेशो कितनी होगी, एक हाथ और 5 उंगलियां होगी। तो ये था एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसकी बेसिक डेफिनेशन। सिमिलरली हम बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो C6H6 उसका एग्जैक्ट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करते हैं, वो आगे चलते हैं बढ़ेंगे इसका एक्चुअल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CH अगर मैं दोनों को 6 से डिवाइड कर दूं, बेसिक रेशियो बता रहा है कि जितनी कार्बन है उतनी ही हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:1 है। तो ये क्या CH क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो जब भी हम किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं तो हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद हम उसके एक्चुअल फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले की नो हाउ होनी चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड के वो आपस में किस रेशियो में मिले हुए हैं। अब इसका पूरा प्रोसीजर है कि हम इसको किस तरीके से पूरी मतलब कैलकुलेशन जो सीरीज है कि हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी भी एम्पिरिकल फॉर्मूले को। अब हम उसकी तरफ जाते हैं। ओके जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या है, वो हम उसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कोई भी कंपाउंड हमने दिया है उसका डाटा दिया होगा, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड हम फाइंड करते हैं। अब इसको आप सिंपली मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10% कार्बन थी किसी कंपाउंड में, हाइड्रोजन उसके अंदर थी 20% और बाकी 70% उसके अंदर ऑक्सीजन थी। ये मेरे पास आएगी परसेंटेज। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम उस कंपाउंड का सैंपल है, जो भी कंपाउंड की मैंने डाटा दिया है उसके मेरे पास 100 ग्राम है, तो कार्बन उसके अंदर कितने ग्राम होगी, इसी बात है 10 ग्राम, क्योंकि ये टोटल परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि 100 में से। तो जब मैंने 100 ग्राम लिया तो उसके अंदर कार्बन 10 ग्राम होगी, हाइड्रोजन 20 ग्राम होगी और ऑक्सीजन 70 ग्राम होगी। तो इसके दूसरे स्टेप में हम उस परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने निकाली होती है उसको हम 100 ग्राम सैंपल की शक्ल में लेके उनके ग्राम लिख लेते हैं।
grams of compound of elements. या मैं समझ का इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं इस एग्जांपल की मदद से, आपको समझ आ गई हो जो परसेंटेज होती है उसी को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें 100 ग्राम में वो उतने ही होंगे, तो ये उसके हम ग्राम ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको उनके ग्राम एटम्स फाइंड करते हैं, ग्राम एटम्स या इसको हम मोल्स भी कहते हैं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट बन सकता है, आगे चल के आएगा डिटेल में, हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको आप ऐसे समझें कि जो मैथ आपने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर टू के अंदर मैथ ऑफ एलिमेंट, उसको अगर आप एटॉमिक मैथ से उस एलिमेंट के मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ग्राम एटम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन 10 ग्राम मौजूद है, तो मैथ ऑफ एलिमेंट 10 ग्राम और एटॉमिक मैथ उसका कितना होता है कार्बन का, कार्बन का अटोमिक मास 12 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ग्राम एटम होगा कार्बन का। इसी तरह हम ग्राम एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये था जी थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में हमारे पास तीन आंसर आए हैं, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तीनों को हम कंपेयर करते हैं, इसके ग्राम एटम्स अगर हमारे पास एक्स हैं रेशो y रेशो z और इनमें से जो सबसे छोटा होता है, मैं कहता हूँ ये z की वैल्यू सबसे छोटी थी फॉर एग्जांपल, तो हम सबको z से डिवाइड करते हैं एंड पे हमारे पास एक नई रेशो आ जाएगी रेशो, और इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सीरीज है, इसको देख इसी बेसिस के ऊपर हम अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से बता दूं, सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं उसी फॉर्मूले से, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ऊपर आ जाता है एलिमेंट का मास, और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी पीछे हमने बढ़ा तो हम परसेंटेज कंपोजिशन उससे निकल आती है। फिर परसेंटेज का मतलब 100 में से होता है, तो हमने बेसिक ले ली कि सपोज करें हमारे पास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम के अंदर उसकी परसेंटेज ही उसका मैथ बन जाएगी, राइट। कार्बन अगर 10% थी तो 100 ग्राम में 10 ग्राम कार्बन होगी, इसी तरह हाइड्रोजन अगर 20% थी तो 100 ग्राम में वो 20 ग्राम मौजूद होगी। इसी तरह सबको निकालने के बाद उनके ग्राम्स को अगर मैं उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये नई चीज जो हमने पढ़ी है ग्राम एटम्स आ जाएंगे। ये ग्राम एटम्स को हम यूज करेंगे आगे अपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, उनकी रेशियो लेते हैं और सबसे छोटे से उसको डिवाइड कर देते हैं। ये तो था एक पूरा सीरीज कि हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। ये एक मेथड है, एक और मेथड है वो आगे हम पढ़ेंगे इस मेथड के लिए कि हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल ही आसान हो जाए आप लोगों के लिए। अब आपकी बुक की भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 3 है, उन्होंने डाटा जो दिया हुआ है वो है जी एस्कॉर्बिक एसिड, आपको एक कंपाउंड का नाम दे दिया, इसका अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं जी इसके अंदर कार्बन कितना है 40.92%, इसके अंदर हाइड्रोजन है 4.58%, और इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है 54.5%। ये तीन चीजें जो है आपके एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर मौजूद है। परसेंटेज आपको गिवन है, आपने निकाल लेना। पहला स्टेप जो था आपका परसेंटेज वाला, ये वाला जो स्टेप था हमारा, ये वाला हमें सोल्व करना नहीं पड़ा, एक फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ही की शक्ल में हमें डाटा गिवन है। अगर उसमें ग्राम जीरो होते तो फिर हम पहले परसेंटेज निकालते, पहले पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं कहता हूँ जी कि मैं बेसिस ले रहा हूँ, बेसिस का मतलब है कि मैं सपोज कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास सैंपल कितना है 100 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब इस 100 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कार्बन के कितने ग्राम होंगे, उतने ही होंगे जितनी इसकी परसेंटेज है। हाइड्रोजन 4.58%, सिमिलरली ऑक्सीजन विल बी 54.5 ग्राम, यहाँ पे भी ये भी ग्राम है, राइट।
जो उसकी परसेंटेज है वो इसके ग्राम्स आए वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अगली चीज हमने क्या करनी थी, अगली चीज हमने करनी थी कि इनके ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने थे। थर्ड जो स्टेप था ग्राम एटम्स, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम उसके मास को जो हमने निकाला होता है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 40.92। इसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, वो होता है 12। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.41। आ जाए हाइड्रोजन की तरफ, उसी तरह इसके ग्राम एटम्स क्या करेंगे 4.58 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास होता है 1.008। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 4.54, ये इसके ग्राम एटम्स आ गए किसके, हाइड्रोजन के। इसी तरह ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स हम निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स कैसे निकलेंगे 54.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, वो कितना होता है, वो होता है 16। तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा 3.40 ग्राम एटम्स। तो ये तीनों के ग्राम एटम्स हमारे पास मौजूद है। ये तीसरा स्टेप था जो ग्राम एटम्स हमने कैसे निकालने हैं। इस स्टेप पर पहुंचने के बाद हम इन सब की रेशियो जो होती है वो कंपेयर कर लेते हैं और अपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के आंसर की तरफ चले जाते हैं। सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशियो हमने कंपेयर करनी है। इसकी कितनी रेशियो आई है, दैट इज इसके भी ग्राम एटम हमने निकाले ना 3.41, 4.54 और 3.41। अब जो आखिरी स्टेप में हमने बात की थी कि इनके इनके सबसे छोटा लीस्ट नंबर से इस सारों को डिवाइड करते थे, सबसे छोटा 3.41 है तो इसको हम 3.41 से डिवाइड कर देंगे सबको। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 1, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33। अब यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, ये दो तो होल नंबर मौजूद हैं 1 और 1, तो आपके पास होल नंबर हैं 1.33, आपके पास होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू होल नंबर। तो आपने इसको किसी ऐसे नंबर पर मल्टीप्लाई करना है तो ये तीनों जो आंसर हैं होल नंबर बन जाए, जब वो होल नंबर बनेंगे तो वो आपका आंसर होगा। हाँ, अगर ये होता, अगर इसका आंसर इस तरीके का आता 1, 3 और 1, तो फिर आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होनी थी। क्यों? क्योंकि 1 और 3 और 1 तीनों क्या है, होल नंबर होने थे। तो फिर आपका आंसर आ जाना था C1H3O1। तो इसको आप CH3O लिख सकते थे, ये एग्जाम्पल है। तो अभी हमारे 1 1 तो होल नंबर है लेकिन 1.33 होल नंबर नहीं है, इसके लिए हमें किसको किसी ऐसे इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि किसी में होल नंबर्स आ जाए। अब अगर मैं इस 1:1.33:1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आएगा 3:4:3। तो अब देखेंगे ये 3, 4 और 3 क्या है, हमारे पास एक होल नंबर में रेशियो आ गई। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4O3। तो क्वेश्चन क्या था कि एस्कॉर्बिक एसिड आपको नाम गिवन था कंपाउंड का और आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना था, वो आपने इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि आपने जो एंड में रेशियो जब कंपेयर की, सबसे छोटे वाले से उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद अगर तो रेशियो होल नंबर आ जाए तो फिर वही उसका आंसर हो जाएगा, अगर वो होल नंबर ना आए तो उसको किसी ऐसे एन से मल्टीप्लाई करते हैं कि उसका आंसर जो है वो होल नंबर में आ जाए, और ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला आपका आंसर है। तो ये एक तरीका था जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। इसको हम एक दफा से समराइज कर लेते हैं। ये एक फोटो है जिसमें हम उसकी सारी डिटेल दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। हमें गिवन क्या है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन थी। हमने अज्यूम कर लिया कि 100 ग्राम सैंपल है, 100 ग्राम सैंपल का क्या मतलब है कि जितनी परसेंटेज है उतने ही इसके ग्राम आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या निकाले, ग्राम ऑफ ईच एलिमेंट,
इन ग्राम्स को हमने एटॉमिक वेट से जब डिवाइड किया तो मोल्स आ गए, ग्राम एटम्स आ गए। ये तीसरा स्टेप था कि ग्राम्स को डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से ताकि आपके पास मोल्स निकल आए। ये मोल्स हैं, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट जब आ गए तो उनकी मोल रेशियो हमने फाइंड आउट की, और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद उसको सबसे छोटी वाली से डिवाइड किया, डिवाइड किया और फिर एन से मल्टीप्लाई किया। एन आपने अप्रोप्रिएट खुद ढूंढना है किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर जो है वो होल नंबर रेशियो आ जाए। मोल रेशियो जब आ जाएगी तो वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला से बन जाएगा। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो कि एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करने की तरीके को बता रही है। यही सारे मैथ टॉपिक्स हमने अभी यहाँ पे भी किए हैं अपने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने क्या गिवन था, ये तीन चीजें गिवन थी, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेजेस गिवन थी। परसेंटेजेस को हमने ज्यूम किया कि 100 ग्राम मौजूद है, 100 ग्राम की वजह से इनके ग्राम्स निकल आए। इसी तरह इन ग्राम्स को इनके एटॉमिक मैसेज से मैंने डिवाइड किया है तो इनके पास ये ग्राम एटम्स आ गए हैं तीनों के। तीनों के ग्राम एटम्स और मोल्स जिनको हम कहते हैं ये मोल आए हैं, इन तीनों की मोल्स की रेशियो को इस स्टेप में हमने कंपेयर किया और सबसे छोटी 3.41 छोटी थी तो हमने सबको डिवाइड कर दिया तीनों से। आंसर क्या आ गया, 1, ये कट गया, 1.33 और 1। ये तीनों होल नंबर में होने जरूरी है, अब होल नंबर में नहीं है 1.33, जगह इसको होल नंबर में लाएंगे। एन में 3 निकलता है, 3 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा 3 × 1.334 और 3 × 3। तो कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद है एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर। तो इस तरीके से हम अपना फाइंड आउट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये एक मेथड है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है जो कि कंबशन एनालिसिस जिसको कहते हैं, वो टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हमने जो चीजें देखी वो ये थी कि हमने एवरेज एटॉमिक मास देखा, आइसोटोप्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने एम्पिरिकल फार्मूला समझा, और एम्पिरिकल फार्मूला समझने से पहले हमने एनालिसिस ऑफ कंपाउंड को देखा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, फिर हमने परसेंटेज ऑफ मास फाइंड आउट करने का तरीका सीखा, और फिर उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमने एक एग्जाम्पल की मदद से सारी डिटेल समझी कि किस तरीके से हम अपना एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।